आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? लोग हंसेंगे हम पर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? अरे सत्ता के दलालों को, सीधे मारो सालों को। अरे सत्ता के दलालों को, सीधे मारो सालों को। अरे सत्ता के दलालों को, सीधे मारो सालों को। भारत माता की जय। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सत्ता के दलालों को, सीधे मारो सालों को। अरे सत्ता के दलालों को, सीधे मारो सालों को। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। उसी के सम्मान में पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। डांगी डांगी जो कि मनासा के डीआई है, जो इस केस में उन्होंने पूरी लापरवाही बरती है, उसको लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरह से पुलिस की कार्यशैली है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको सस्पेंड तक नहीं किया था, लेकिन अब पुलिस को कदम उठाना पड़ेगा। नेहा जोशी कहाँ है ये तक बताना पड़ेगा। आप देख सकते हैं करने के बाद सभी समाज जन यहाँ पर एकत्रित हुए पर यहाँ पर नारा लग रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है, तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है, और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम था, मैं रिपोर्ट करवा गई थी, तो उसने 2000 रुपया लिया था मेरे से। 2000 रुपया दीदा मैंने नगद उसी टाइम पे काट के, तो फिर बाद में 2-3 दिन बाद में फिर मैं गए तो वो ही बोले कि 10000 रुपया और लाके दो, जब तुम्हारी बच्ची वो दिन लाइन डाल रही है। शिवानी नाम है उस बच्ची का, 19 साल की बच्ची है। पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशासन, वहां पे टीआई का निलंबन आज ही चाहिए।